हेलो गाइस, तो कैसे हैं सब लोग। ये वीडियो हमारी होने वाली है आईफोन 13 की, जो कि बिग बिलियन डे की सेल में कितने रुपीस का आने वाला है। आईफोन 14 आपको परचेज करना है या आईफोन 13 आपको परचेज करना है, दोनों में क्या प्राइसिंग का डिफरेंस रहने वाला है और आपके लिए कौन सा फोन परफेक्ट रहने वाला है आपके बजट के हिसाब से, इस वीडियो में सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। और ये बहुत से लोगों के सवाल थे कि नो कॉस्ट EMI कैसे होगा और ये क्रेडिट कार्ड से हमें कितना ऑफ मिलने वाला है, कौन सा क्रेडिट कार्ड आने वाला है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो में गाइस एंड तक मेरा सारा डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन 13 की। आईफोन 13 इस सेल में इतना ज़्यादा बिकने वाला है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ ही उनकी यूनिट्स होती हैं जो कि फटाफट सेल हो जाती हैं, उसके बाद जो है आईफोन की प्राइसिंग लगातार बढ़ती रहती है। पिछले बार जो पॉपुलरिटी थी आईफोन 12 की इतनी नहीं थी जितनी 13 की थी, और इस साल भी देखा ये जा रहा है कि आईफोन 13 की ज़्यादा होने वाली है अगर आईफोन 14 से कंपेयर करें तो। आईफोन 14 भी गाइस फोन अच्छा है, वो उन लोगों के लिए जिनका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है 45 प्लस से। अगर आपको 40,000 के आसपास का बजट है तो आईफोन 13 की ऐसी डील मिलने वाली है कि आपको अंदाजा नहीं है और कितने लोग इसको परचेज करने वाले हैं। अगर आपको फ्लिपकार्ट की मेंबरशिप है प्लस वाली तो आपको बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि उनके लिए एक दिन पहले सेल स्टार्ट हो जाती है। और अगर उनके लिए एक दिन पहले सेल स्टार्ट होगी तो आप जाहिर सी बात है जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनको वो आईफोन उस प्राइस में देखने को नहीं मिलने वाला है। और कुछ ही यूनिट्स होती हैं जो स्टार्टिंग के एक आध घंटे के अंदर सेल हो जाती हैं, तो आपको गाइस वो वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक देखने को मिल जाएगा। 40,000 के आसपास अगर वो प्राइस लॉन्च होता है तो आपको 43 से 45 के बीच में ही देखने को मिलने वाला है। 3 तारीख से 10 तारीख के बीच में कभी भी सेल आ सकती है, तो इस चीज़ का गाइस आप बिल्कुल ध्यान रखना। कार्ड्स की अगर बात करूँ तो हमें एक्सिस बैंक का कार्ड देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक के कार्ड में हमें कैसे कैसे ऑफर मिलने वाले हैं और क्या क्या कितने कितने डिस्काउंट मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस बात करूँ तो 2500 रुपये के आसपास आपको कार्ड का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जो किसी प्राइसिंग वहाँ पर दिखाई जाएगी। लास्ट ईयर जो मैंने आईफोन 13 परचेज करा था गाइस 47,000 के आसपास जो मुझे पड़ा था, उसमें गाइस मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस प्रॉब्लम मुझे क्या क्या फेस करने को मिली मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने गाइस को ऑर्डर करने जा रहा था गाइस, तो उस टाइम पे गाइस डायरेक्टली ऑर्डर नहीं हो रहा था। तुरंत जैसे मैंने अपने ऐड टू कार्ट कराया वहाँ ऐड नहीं हो रहा था, तुरंत गाइस ये वहाँ से चला गया था। उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक दिखाने लग गया, मैं गाइस बहुत परेशान हो गया था कि अब क्या करूँगा मैं। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो गाइस 50,000 के ऊपर मेरा बजट था नहीं लेने का। मगर गाइस थोड़ी देर के बाद गाइस 1 मिनट के बाद दोबारा से स्टॉक में आ गया, जो कि 49,990 फिर से दिखाने लग गया था उसमें। फटाफट गाइस मैंने इसको अपने कार्ड में ऐड करा, कार्ड में ऐड तो हो गया, मगर गाइस जब मैं इसको प्लेस कर रहा था ना, प्लेस करते टाइम मुझे फिर से इसमें प्रॉब्लम देखने को मिली। जो मैं अपने कार्ड्स की डिटेल डाला था, डिटेल डालने के बाद जो मेरे पास OTP आया, OTP जैसे मैं इसमें डाल रहा था तो ये गाइस सबमिट ही नहीं हो रहा था। बहुत देर तक गाइस मैं इसको सबमिट करता रहा, हो नहीं रहा था गाइस। बहुत देर के बाद फिर मैंने इसको दोबारा से करा एक बार, और 2-3 बार करने के बाद गए फाइनली कैसे करके ऑर्डर हो गया। अब बात करते हैं आईफोन 14 की। आईफोन 14 का थोड़ा सा आपको एडवांस देखने को मिला, कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं मिलेगा आपको उसमें देखने में। इसीलिए जो आईफोन 13 की सेल है वो आईफोन 14 से ज़्यादा होने वाली है। स्टॉक की बात करूँ तो आईफोन 13 का स्टॉक आईफोन 14 से ज़्यादा तेज़ी से खत्म होने वाला है। अब बात करने का जो प्रीपेड ऑर्डर है और COD ऑर्डर है, उस दोनों में क्या डिफरेंस रहने वाला है। अगर आप COD ऑर्डर करोगे तो इनकेस अगर COD ऑर्डर वहाँ पर हो गया कन्फर्म, तो आपको जो प्रॉब्लम फेस करने में मिल सकती है, ऑर्डर क्या होता है कई बार वो कैंसिल कर देता है फ्लिपकार्ट, तो उसके बाद आपको जो COD वाले ऑर्डर पे अच्छे से सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। यही आप अगर प्रीपेड ऑर्डर करते हो तो आपको जो है अच्छा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इनके सर कैंसिल भी हो जाता है तो आपको जो है ऑर्डर को रीअरेंज भी करा सकते हैं और आपके रिफंड में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और प्रायोरिटी भी जो है प्रीपेड वाले ऑर्डर को ज़्यादा दी जाती है। कार्ड की बात करूँगा, अगर आपके पास एक्सिस बैंक या उसके अलावा अदर कोई कार्ड है जो आपको वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया होगा, तो उसमें आपको 14% जो है इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। 3-4 हज़ार रुपये के आसपास कॉस्टिंग आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी जो प्राइसिंग पे वहाँ पर वो लॉन्च होगा। मगर आपको उसमें एक बेनिफिट देखने को मिल जाएगा कि आपको EMI में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप 6 महीने करो, साल भर की करो, उसी हिसाब से उसका इंटरेस्ट भी वहाँ पर बढ़ता जाता है। 45 के अंदर भी आपको डील मिल जाती है आईफोन 13 की, तब भी कोई बुरी डील नहीं है। अभी जो आईफोन 13 में यूज कर रहा हूँ वो मैंने 1 साल पहले परचेस करा था बिग बिलियन डे की सेल में, हालांकि भी 1 साल नहीं हुआ है। मुझे जो अभी उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली, ना मुझे कोई हीटिंग इशू देखने को मिला है, ना मुझे कैमरा में कोई प्रॉब्लम देखने को मिली। काफी अच्छा रिजल्ट है इसके कैमरे के भी। बैटरी की बात करूंगा, बैटरी जो दिन में मुझे 1 बार चार्ज करनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादा मैं हैवी यूज नहीं करता हूँ फोन्स को। बस जो मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ वो इसी से शूट करता हूँ, बस खाली इतना थोड़ा सा मेरा काम होता है। बाकी जो अपना YT स्टूडियो उसको यूज करता हूँ, इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, बस नॉर्मल मेरा यूज है, ज्यादा मैं कंटेंट कंज्यूम नहीं करता हूँ इसके ऊपर। इस वजह से मुझे अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। आईफोन 13 का मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली रिव्यू की, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने आई बटन में यहाँ मेंशन कर दिया है। इसके बारे में गाइस जो मैंने एक्सपीरियंस है वो मैंने यहाँ पर शेयर करा, आप जाके चेकआउट कर लेना। कुछ लोग गाइस ये भी सवाल आते हैं कि आईफोन 11 जो है हमें परचेज करना है कि नहीं करना है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, आईफोन 11 जो 4G फोन है, अगर आप कंफर्टेबल हो 4G के लिए, आपको अगर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो थोड़ी स्पीड में,
थोड़ा सा पुराना डिज़ाइन हो चुका है, बट ठीक है, अगर कोई एंटर करना चाहता है एप्पल इको सिस्टम में तो आप उसके लिए भी जा सकते हो, खास कुछ भी बुरी डील नहीं है। अगर आपका बजट कम है तो, अगर आप बजट बढ़ा सकते हो तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि मिनिमम आईफोन 12 आप परचेस करो। उसमें गाइस आपको थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, थोड़ा एडवांस फोन है, अगर 11 से कंपेयर करें तो थोड़ा सा मॉडर्न लगता है देखने में। इसके बेजल्स गाइस थोड़े से कम देखने को मिलेंगे आपको, जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो आपको 11 से काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली है। आईफोन 11 में आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, मगर जो आईफोन 12 है उसमें आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसके कलर ज़्यादा आपको पंची लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में आपको। ये मैं बात करूँ अगर आईफोन 13 की, जो आईफोन 13 का कैमरा सिस्टम है जो आपको 12 प्रो मैक्स में देखने को मिलता था, वो आपको आईफोन 13 में उसके कैमरा देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी देते हैं आपको नाइट में भी और डे में भी। अब बात करते हैं आईफोन 14 के कैमरे की। आईफोन 14 के अंदर जो आपको कैमरा देखने को मिलता है उसमें 13 प्रो मैक्स में जो कैमरा आता था, वही कैमरा सिस्टम आपको आईफोन 14 सीरीज में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आईफोन 14 प्लस जो फोन होने वाला है, ये खास उन लोगों के लिए होने वाला है जिनको बड़ी स्क्रीन का फोन चाहिए कम बजट में, तो आपके लिए डील बहुत अच्छी हो जाएगी। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे की सेल में आईफोन 14 प्लस जो है अंडर 60,000 आपको देखने को मिलेगा, जो कि गाइस बहुत अच्छा फोन होने वाला है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, आपको ट्रिपल कैमरे की जरूरत नहीं है, तो ये फोन आपके लिए बहुत अच्छी डील लेके आने वाला है। अब जैसे मेरे पास ये आईफोन 13 है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, मेरे हाथ से थोड़ा छोटा लगता है देखने को, मगर मैं भी गाइस कुछ टाइम के बाद अपना फोन अपग्रेड करने वाला हूँ। प्रो सीरीज लूँगा या प्रो नहीं लूँगा थोड़ा सा सोचने वाला मैटर है, मुझे जरूरत है या नहीं है, मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मगर डिस्प्ले मुझे अपग्रेड करनी पड़ेगी। 6.1 इंच मेरी थोड़ी सी छोटी लगती है मेरे हाथ में, मुझे 6.7 इंच के लिए जाना है, बट कब जाना है वो पता नहीं है, कब लेना होगा, जब मेरा बजट हो जाएगा तो मैं उसको अपग्रेड ज़रूर करूँगा। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इसको ऑर्डर करते वक्त आपको कैसे कैसे चीज़ों को देखना है, ध्यान रखना है। प्राइसिंग जो है मैंने आपको बता दी है, 40,000 से लेके 45,000 के बीच रहने वाली है, बढ़ती रहती है वो, जैसे आप वहाँ पर देखते रहेंगे थोड़ी देर के बाद प्राइसिंग वहाँ पर चेंज होती रहेगी, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आज की वीडियो बस इतना ही, आपको वीडियो हमारे अच्छी लगी को लाइक कर देना, और जिनको iPhone 13 परचेज करना है उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।